अस्सलाम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जैसे कि आप सबको पिछले व्लॉग में बताया था कि इरहा की बर्थडे आने वाली है, तो आज 7 दिसंबर इरहा की फ़र्स्ट बर्थडे है। इरहा माशाल्लाह से पूरे 1 साल की हो गई आज। तो अभी सबसे पहले जाता हूँ नाश्ता लाने, तो उसके बाद इवेंट डेकोरेट करने वाले आएंगे और हमारे लिए स्टेज डेकोरेट करेंगे। तो आज का ये व्लॉग बहुत मज़े का आने वाला है और आपको आज का सारा सीन भी दिखाता हूँ। इरा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो इरा अभी अभी नींद से उठ गई है और फुल मौज में है। इसको पता ही नहीं आज मेरी बर्थडे है। इरा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, तो गर्म गर्म नाश्ता भी है तैयार, ताजगी खुराक कुचा और दूध पत्ती, साथ में गर्म गर्म नान। तो अभी जा रहा हूँ बर्थडे केक लाने बच्चों के लिए, साथ में फायर शावर भी लाने हैं और तकरीबन बाकी सारा सामान मुकम्मल है, सिर्फ यही दो चीज़ रहते हैं कि अभी जाके ले आऊँगा। अच्छा, तो केक वगैरह भी ले लिया। 1 hour later और लड़के भी आ चुके हैं, डेकोरेशन लगाने में बिजी है। शायद 1.5 घंटा या 1 घंटा लग जाए सेटअप लगवाने में। अच्छा, तो माशाल्लाह से सेटअप हो गए कंप्लीट, फुल मुकम्मल सेटअप लग गए, आप देख सकते हैं। और ये इरहा ज़ारा की स्टेज माशाल्लाह से, और इधर बच्चों के लिए कुर्सी वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा, तो सेटअप वगैरह तो लग गए, अभी मैं जाता हूँ ख़ुद तैयार होने, क्योंकि मेहमान भी आने वाले तकरीबन, तो लेट होगा, इसलिए मैं जाता हूँ और ख़ुद भी रेडी होता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके, तो मैं भी हो चुका हूँ तकरीबन तैयार, बस मेहमान और बच्चे लोग आ जाए ताकि अपना पार्टी शुरू करें। अच्छा, तो माशाल्लाह से इरहा भी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं इरहा को। इरहा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और हमारे इस इवेंट को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आए हैं हैदर्स भाई, जो आरूस फोटोशूट के ओनर्स हैं। हैदर्स भाई, क्या हाल है? खैरत ठीक ठाक। और साथ में है मेहदी भाई। मेहदी भाई, खैरत बखैर, ठीक ठाक। और फाइनली बच्चे लोग भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इनके फोटोशूट शुरू है।
अच्छा तो अभी इरहा और अब्बास के साथ करेंगे इरहा की गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग और आपको भी दिखाएंगे कि इरहा के लिए क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं और इरहा ने क्या क्या गिफ्ट्स कलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले खोलते हैं इस छोटे गिफ्ट को। वाह वाह, फ्रूट सेट फॉर इरहा। अच्छा तो इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। स्वेटर और जींस। अच्छा तो अभी खोलेंगे इसको, देखते हैं कि क्या है इसमें। किचन सेट। अच्छा इसके बाद खोलेंगे अभी इसको। वाओ, जो ले रहा इसमें भी शायद कोई यूनिक चीज हो, क्योंकि पेंटिंग से तो लग रहा है कि कोई यूनिक चीज है। इरहा की डॉल के लिए स्ट्रोलर भी है साथ में, अभी डॉल को बिठाएंगे इसमें। इरहा ऊपर को डॉल को ऊपर चक्कर। अच्छा तो इसे खोलते हैं अभी और फिर देखते हैं कि इसमें क्या होगा। वाओ, कैंपिंग टेंट। अच्छा इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल में। ये असल में है कैंपिंग टेंट। जब कभी इरहा मेरे साथ कैंपिंग जाएगी तो इस इरहा की टेंट भी अपने साथ ले जाएंगे और वहाँ पे करेंगे इरहा के साथ कैंपिंग। अच्छा तो इसके बाद है वाली इसका, देखते हैं इसमें क्या होगा। असल में है पूरा डॉल हाउस सेट, जो इसमें घर है, किचन का सामान है। तो अभी खोलते हैं इसको, देखते हैं इसमें क्या है। फिर से एक और स्वेटर। तकरीबन आखिर में खोलेंगे इस गिफ्ट को और देखते हैं कि क्या होगा इसमें। इसमें है शूज और ये हैंडबैग इरहा के लिए।
और ये कुछ हेयर बैंड, साथ में ये खूबसूरत सा फ्रॉक, ये इरहा की दादी की तरफ से है, मतलब मेरे मदर की तरफ से ब्रेसलेट गोल्ड का, और ये इयररिंग्स इरहा की दूसरे दादी की तरफ से, तो ये छोटे छोटे से इयररिंग्स, और फिर इसमें क्या होगा, इसमें भी है इयररिंग्स गोल्ड, और बाकी कुछ है कैश गिफ्ट्स। और जिन व्यूअर्स ने विश किया था उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो इरहा की पार्टी में आए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और एक बार फिर आप सब की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बंडल ऑफ थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।